तो जी फाइनली गौशाला का काम जो है वो खत्म हो गया है, तो हमारे गांव से धूप जाने वाली है। और ये है जी अपनी किचन। तो जी ये जो इन्वर्टर है ये हमने मतलब किचन के लिए रखा है। तो जी फाइनली चूल्हे की दाल जो है वो बन के रेडी हो गई है। अभी मेरे को पत्ते लाने हैं जी मवेशियों के लिए। तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं बिल्कुल बढ़िया और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होना चाहिए। तो दोस्तों दिन की शुरुआत करते हैं लेके वैष्णो देवी का नाम, बोल सच्चे दरबार की जय। तो दोस्तों मैं अभी सुबह सुबह उठा और उसके बाद कुछ काम था वो किया और अब मैंने सोचा कि यार वीडियो भी तो बनानी है, तो वीडियो को बनाना भी शुरू कर दिया। फिलहाल सिचुएशन कुछ ऐसी है कि घर में इस समय मैं अकेला हूँ। मम्मी जो है वो उधमपुर गई हैं, पापा जी जो है वो दुकान पे चला गए हैं और अभी जो मम्मी का काम होता है ना घर में वो सब मुझे ही करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी धूप लग चुकी है, तो अभी मुझे मवेशी जो मतलब अंदर बांधे होते हैं ना भाई, तो उनको अब बाहर बांधना है। प्लस उनके लिए चारा जो मतलब जो भी अभी खिलाया जाता है तो वो उनके लिए लाना है। तो अब मैंने दराटी ले ली है और अब ये दराटी लेके अभी मेरे को पत्ते लाने हैं जी मवेशियों के लिए। मैंने गौशाला के लिए थोड़े से पत्ते काट दिए हैं, ये हैं पत्ते, अभी इनको लेके जाना है। अभी मैंने अच्छे से इकट्ठे भी नहीं किए हैं क्योंकि यार पास में तो लेना है, इनको क्या इकट्ठे करना, उतना गोल मोल करके उठा देते हैं। तो जी दोपहर के बज रहे हैं 2 और अभी दोपहर का खाना खाने का समय हो चुका है। हालांकि आजकल मैं दोपहर का खाना नहीं खाता हूं क्योंकि सुबह का खाना मैं 11-12 बजे खाता हूं, तो उसके बाद दोपहर तो जल्दी हो जाती है, 1-2 घंटे में भूख नहीं लगती है, तो इसीलिए मैं फिर शाम का खाना 6-7 बजे खा लेता हूं। लेकिन आज मुझे थोड़ी भूख मतलब कुछ खाने का मन कर रहा है। गांव में क्या होता है, मवेशी रखे होते हैं, गाय भैंस जो है वो रखी है, तो उनको घास वगैरह देना और बाकी पूरा कूड़ा कचरा जो है वो उसको भी साफ करना, घर में जो खाना बनाना सब कुछ जो है वो अब मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि पापा जी हैं दुकान पे, उन्होंने आना है शाम को। तो अभी फिलहाल भाई साहब सबसे पहले मेरे को जो मवेशी बाहर बांधे थे, अब ठंड होना शुरू हो गई है। तो हमारे गांव से धूप जाने वाली है, बिल्कुल जा चुकी है। कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर धूप अभी लगी है, लेकिन बस आज की जो धूप जो है ना वो जाने वाली है। शाम का टाइम आ गया है बिल्कुल, और अभी ये धूप जैसे आएगी ना वहां से जाएगी और ऊपर 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 करके जैसे लास्ट पहाड़ी पे जाएगी, वहां से ऊपर जाके फिर अंधेरा हो जाएगा। तो जी फाइनली गौशाला का काम जो है वो ख़त्म हो गया है, साफ़ सफाई कर दी सारी, यहाँ से मवेशियों को अंदर बांध दिया है और अब भाई मेरा काम हो गया है ख़त्म। अभी काम बचता है वो शाम को पापा जी आएंगे और वही दूध निकालेंगे। भाई मेरे को बाकी सब काम आते हैं लेकिन एक दूध निकालने का काम नहीं आता है, तो वो पापा जी शाम को आएंगे फिर निकाल देंगे। तो अभी गौशाला के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और अब मेरा काम आता है जी शुरू, नया काम जो कि खाना बनाना है शाम के लिए। आप सामने पर्वत देख सकते हो, ये है जी पंचारी और पंचारी के थोड़ा इस साइड सांकरी देवता है वो वाला, और वहां से जो लास्ट वाली पहाड़ी दिख रही है ना ये है जी बस्कार इसको बोलते हैं, और यहाँ पर इस समय बर्फ रहती थी लेकिन इस साल बर्फ तो बिल्कुल पड़ी ही नहीं है। देखो मौसम जो है वो कितना बदल चुका है और इस समय भी जंगलों में आग लगी है, जैसे उस साइड आप देख सकते हो वहां पर देखो धुआं ही धुआं है, क्लियर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय हमारे पहाड़ों में, और पहाड़ों में क्या ये तो सारी सिटी में अगर आप देखोगे सुबह शाम कोहरा रहता है, आगे पीछे दिखता ही कुछ नहीं है, लेकिन पहाड़ों में फिर भी स्थिति बेहतर है। लेकिन पहाड़ों में इस समय अगर बारिश नहीं हो रही है या फिर बर्फ नहीं पड़ रही है तो उसकी वजह से आग लग रही है जंगलों में, जिसकी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है उनकी लाइफ खत्म हो रही है। अभी मैं देख रहा था खेतों में अगर कोई सीजनल चीज जो है वो लगी हो,
तो कुछ मूलियाँ जो है वो दिखाई दी मेरे को, और कुछ मटर के पेड़ भी लगे हैं भाई इस समय। इस समय होते हैं क्या मटर, पता नहीं भाई, लेकिन कुछ कुछ बीच बीच जगह पे लगे हैं। तो जी मैं मूली निकाल रहा था और मूली टूट गई। एक्चुअली ये क्यों टूटी, क्योंकि इस समय ना पानी नहीं है, हमारी जो खेत है ना इनमें पानी की बहुत सारी कमी है, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है, और ऊपर से जो पाइपलाइन वाला सिस्टम है तो वो भी इस समय बिगड़ गया है, क्योंकि नई पाइपलाइन लग रही है और जिसकी वजह से पुरानी वाली पाइपलाइन जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, बीच बीच से टूट गई है, तो जिसकी वजह से अभी पाइप्स में पानी नहीं आ रहा है, और जिसकी वजह से हम इनको भी पानी जो है वो नहीं दे सकते। इनको क्या यार, इस समय ना हमें मतलब अपने लिए और मवेशियों के लिए भी पानी जो है वो पूरा करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो जी फिलहाल आपको ले चलते हैं अपनी किचन में जी, अपनी गांव की शुद्ध देसी किचन। और ये है जी अपनी किचन जहां पर आग जल रही है, और ये मैंने अभी जलाई अभी, हालांकि मेरे को डिसाइड करना है कि मेरे को बनाना क्या है पर खाने के लिए शाम के लिए। तो जी फाइनली आग तो जला दी है, लेकिन अब बनाना क्या है उसके लिए डिसाइड करवाना मेरे लिए मुश्किल। चीज आपको दिखाता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे गाँव के हिसाब से, और वो है जी ये देखो जी, लाइट आज की डेट में बहुत ज़रूरी होती है, और गांव में आपको पता है कि लाइट बड़ी कम रहती है, क्योंकि जब बारिश होगी या कुछ भी होगा तो उस समय लाइट चले जाती है। तो जी ये जो इन्वर्टर है ये हमने मतलब किचन के लिए रखा है, कि किचन में जब शाम को काम होता है मतलब खाना शाना बनाना, तो लाइट जो है वो कभी रहती है कभी नहीं रहती है, तो उसके लिए फ़िलहाल ये मतलब बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। और ये है जी 40 वाट का बल्ब, हालांकि ऐसे वाले बहुत सारे बल्ब इससे चल सकते हैं, तो हमने तो सिर्फ इसमें जो है वो इसको लगा दिया है, और अच्छी लाइट जो है वो इसकी रहती है रोशनी। अरे कुछ नहीं दिख रहा है भाई। तो फिलहाल ये जो है तो इससे 3 CFL बल्ब जो है वो लग सकते हैं, और फैन भी चल सकता है, और बाकी चार्जिंग वगैरह भी हो सकती है कुछ टाइम के लिए, हालांकि मतलब छोटा वाला है पोर्टेबल है तो इससे उतना तो ज़्यादा नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी कुछ टाइम के लिए जो है ये सफिशेंट है। और हालांकि गांव के लिए, क्योंकि गांव में कभी उठा के कहीं कहीं पे भी ले जाना पड़ता है ना, तो उसके लिए ये ठीक है। तो फाइनली जी दाल बनके रेडी हो गई, अब इसमें डालना है थोड़ा सा पुदीना और बस, उसके बाद भाई फाइनली दाल बन के चावल बनाने के लिए छोड़ दिए हैं। और अब आप बोल रहे होंगे कि यार ये चावल बना रहे हैं तो हमें क्यों दिखा रहा है, तो एक्चुअली ये वो वाले चावल नहीं है जो हम दुकान वाले बनाते हैं, ये हैं जी अपने घर के शुद्ध चावल। और इनको बनाने के लिए पानी जो होता है ना वो डबल नहीं लगता है, पानी ट्रिपल डालना पड़ता है तब जाके ये वाले चावल बनते हैं। तो जी फिलहाल अंधेरा होने वाला है, सामने आप देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा होने वाला है, हमारे घर में लाइट आ गई है, और सामने वो जो सामने वाला पहाड़ है ना वहाँ पे देखो, वो देखो जी आग लगी है जिसकी वजह से धुआं निकल रहा है, और नई नई ताज़ी ताज़ी आग लगी है अभी। और ये देखो जी ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेस जो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो जी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाकी मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, शबा खैर।